तो देवी और सदन नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और मुझे उम्मीद है आप सब कोरोना महामारी से भाई सुरक्षित होंगे। हाँ, ये देखिए स्टीम लोकोमोटिव, मैं आ चुका हूँ आज इंदौर जंक्शन। यहाँ से जो है स्टार्ट करने वाला हूँ एक आखिरी जर्नी, मेरे इस 15 दिन की ट्रिप की आखिरी जर्नी। ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पे व्लॉग्स बंद हो जाएगा, ये व्लॉग जो आपको थोड़ा जल्दी मिलेगा। तो आपको दो बातें बता दूँ, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इन शिप्रा एक्सप्रेस 02911 इंदौर से हावड़ा। हाँ, इसको जो है रिसेंट LHB रैक मिला, इसलिए मैं इसको पहले अपलोड करूँगा, प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है हॉट टॉपिक में आ जाता है। दूसरी बात है, मैंने एक Q&A पोस्ट करी कम्युनिटी टैब में, तो उसमें जाकर जो है आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। तो क्वेश्चन जो है हाँ मैंने डाले थे कम आए, मैं Q&A वाला वीडियो 25,000 सब्सक्राइबर होते ही दे दूंगा। तो जल्दी से जो है जाओ और कमेंट करो और शुरू करते हैं इंदौर से जर्नी। हाँ, अंदर जाते हैं, ट्रेन का इन्फॉर्मेशन वहीं पर दे दूँगा। तो गाइस, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इन 02911 शिप्रा एक्सप्रेस, बता दिया फ्रॉम इंदौर से हावड़ा। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे डिपार्चर है। चलते हैं स्टेशन के अंदर, कोई काम नहीं है अभी, जो है दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर ली। मेरे यहाँ पे 3 दोस्त आए थे, शिवाय, हर्षिल और विपुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। शिवाय ने तो लिटरली माला पहना के जो है स्वागत किया मेरा। जो भी है, स्टेशन के अंदर चलते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच होने वाला है। मतलब जो रेक अभी LHB हुआ है उसका फर्स्ट रन होगा। 2 तारीख को LHB हुआ है, आज है 5 तारीख, तो आज जो है दूसरा रेक जो है शिप्रा का वो फर्स्ट रन पे जाएगा। बिल्कुल नया नवेली कोच, इंटीरियर्स वगैरह देखेंगे, एकदम उम्मीद है कि साफ़ सुथरा नया कोच है। ऐसा नहीं कि जो यार्ड में पड़ा है वो कोच चिपका के निकाल दिया। चलते हैं फिलहाल, और ये स्टेशन देखिए, हाँ काफ़ी अच्छा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन शंट हो रही है। ट्रेन के बारे में थोड़ा बता दूँ, हफ्ते में 3 दिन चलती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को फ्रॉम इंदौर। आज इसका इस रेक के साथ पहला रन है, ये भी बिल्कुल नया चमकता हुआ रेक है। और 21 मिनट कोचेज ज़्यादातर वेस्टर्न रेलवेज मेंटेन करती है इस ट्रेन को। हम कवर करेंगे 1735 किलोमीटर्स इन 31 आवर्स एंड 25 मिनट्स, ऑलमोस्ट जो है 31 घंटे की जर्नी है। और देखते हैं कितने बजे पहुँचेगी, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने जर्नी करी पीयूष चौरासी सर, आप जानते हैं उनका ट्रेन काफ़ी लेट हो गया था। तो चलिए बोर्ड करते हैं, एकदम नई नई वाली कोच है। आई होप जो अंदर से भी है बिल्कुल साफ और चमकती हुई कोच जो है मेरी रहेगी। कोच नंबर है A1 और किराया जो है वो कुछ 2700 रुपये के आसपास है सेकेंड ए सी। बिल्कुल नई कोच है, 21 मिनट, चलते हैं अंदर। और ब्राउन कलर के बाद से सारे रीडिंग लैंप्स जो है जल रहे हैं। देखिए नया कोच है, फिर भी लग नहीं रहा कि नया कोच है। हाँ, फ्लोर जो है वो इतना क्लीन नहीं है, ऐसे साइड लोअर साइड अपर में चार्जिंग पॉइंट है और इधर जो है चार्जिंग पॉइंट, ये थोड़ा नया स्विच बोर्ड मेरे को देखने को मिला, थोड़ा सा डिफरेंट। लाइक कर दीजिए प्लीज़। सीट मेरी वैसे साइड लोअर है, लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों में से कोई अपर मिल जाए, क्योंकि थोड़ा आराम से सोएंगे। पैसे दिए साइड लोअर में, जो है साइड अपर में सेकंड एसी का फ़ायदा नहीं है, 900 रुपये जो है मेरे बर्बाद हो जाएंगे। स्किप्स जो है वो डोर से दिखा दूँगा, तो विंडो की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो भाई लोको जो आपने देख लिया, Web 7 लगा है वडोदरा सेट का 37399, थोड़ा फैंसी सा जो है रोड नंबर है। चलते हैं वापस कोच में, बैग जो है अब फिक्स कर दिया कि चलो बैग लेके नहीं घूमना, और 50 रुपये का चेन खरीद के उसको बांध दिया। अब बैग के अंदर का सामान तो खुला है, वो तो कोई भी ले जा सकता है, और कपड़े ही है कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं, वो भी गंदे वाले क्योंकि ट्रिप ख़त्म हो रही है। जो भी पानी वानी लेते हैं, और मैं आपको बता दूँ ये जो लोको सामने लगा है फिलहाल के लिए उज्जैन पे जो इसका लोको रिवर्सल हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो उज्जैन में जो है लोको रिवर्सल हो जाएगा, तब तक जर्नी दिखाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, और फिर हम कल सुबह मिलेंगे जब भी नींद खुले। थोड़ा आराम करना है और वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, क्योंकि ये जो जर्नी है लंबी है, अल्टीमेटली 30-40 मिनट हो जाता है। 20-25 मिनट के अंदर मैं चाहूँगा, क्योंकि मेमोरी भी कम है। और फिलहाल जो है कुछ पीने के लिए ले लेता हूँ, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं जर्नी।
और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि विदाउट टिकट जर्नी करना एक दंडनीय अपराध है। ठंडी नहीं भैया, थैंक यू। तो गाइस पहुंच गए उज्जैन, रात के पौने एक हो रहे, थोड़ा सा बिफोर टाइम है यहाँ पे और जल्दी से चलता हूँ। लोगों के पास ऑलरेडी पावर ऑफ कर दिया, मेरे को पता चल गया। एक्चुअली क्या है कि लोगों हॉक केबल डिस्कनेक्ट करने के लिए पेंटोग्राम नीचे करते हैं ना, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस सिर्फ लाइट वाइट जलती है, एसी वैसी सब ऑफ हो जाता है। चलते हैं लोगों के पास, लोगों चला जाएगा, वही दिखाऊँगा हॉट डिपार्चर। बस उज्जैन से निकल गए और 40 मिनट जो है कोच में एसी वेसी नहीं चल रहा था, बहुत गर्मी हो गया, आप पसीना देख सकते हैं। और बस अभी थोड़ा आराम करने का टाइम है। जो मैं 4 बजे निकला था दिल्ली से, फिर भोपाल आया शताब्दी से, फिर वहाँ से इंदौर, और थोड़ा घूमा अब ट्रेन बोर्ड किया है, तो काफ़ी थक गया हूँ। अब थोड़ा सा सोने का टाइम है, अब कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग, पहुंच गए कटनी। एक्चुअली कटनी जंक्शन नहीं है, कटनी मुरावरा ऐसा कुछ स्टेशन है, और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट था, थोड़ा लेट हो गए। मतलब अगर आउटर में कहीं नहीं रोकते तो आ जाते 20 मिनट में मोर टाइम। और खाने के लिए यहाँ पे ही सब पूरी सब्जी ये सब देखो, पीछे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे। और सॉरी यार, आपको थोड़ा मॉर्निंग की जर्नी दिखा है, मैं आराम कर रहा था। कोई नहीं, जर्नी अभी बहुत बाकी, आपको बहुत देखनी बाकी है। दिस इज़ वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और यहाँ से भी निकलेंगे, कटनी जंक्शन स्किप करेंगे, वो भी देखना। हाँ, मेरे हिसाब से वो बड़ा स्टेशन होगा। तो चलिए, मुझे चाय वाय भी पीनी है और निकलते हैं कटनी से अभी। गेट के बारे होगा, हाँ ठीक। तो गाइस, अभी दोपहर के सवा एक हो रहे हैं और पहुंच गए सतना ही कैटरिंग से। पिज्ज़ा मंगवाया था डोमिनोज से, तो ऑर्डर हो गया। वो लगभग आप ऑर्डर करते तो दिख जाता है जहाँ जहाँ पर डोमिनोज है, और ऐप पे ऑर्डर करते तो थोड़ा टाइम पहले करता है, कितना टाइम वो मेरे को नहीं पता।
और पिज़्ज़ा मंगवा लिया। हाँ, अंदर जाके खाऊंगा आफ्टर डिपार्चर। तो रात को भी जो है मैंने महाराजा थाली मंगवाया कमसम से मुगल सराय में, वो भी अच्छा है। फिलहाल अंदर चलते इसको लेके, क्योंकि बैग वैग दिया नहीं। कोई नहीं, मुझे उम्मीद है थोड़ा हॉट एंड फ्रेश होगा। ऐसा नहीं कि जो है कप का सुबह का बना के रखा है, अभी स्टेशन में खड़ा था 2 घंटे से। अब तक हम क्या और कर चुके हैं, 750 किलोमीटर ट्रेन जो है 5-10 मिनट लेट हो चुकी है, और हर जगह से जो है स्लो होते होते आ रही है, तो इतना तो होना ही था। अब क्या करें, बिफोर टाइम आ जाता है, लेकिन स्लो होते होते आई तो थोड़ा टाइम लग गया। जो भी, हाँ चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सतना से जो है निकल गए, और मैंने 2 पिज़्ज़ा मैनिया मंगवाया था, मतलब वो सिंगल सर्व सिंगल टॉपिंग वाले, और साथ में एक चॉकोलावा के। टोटल प्राइस जो है वो 320-330 रुपये कुछ ऐसा पड़ा। एक पिज़्ज़ा 100 का था वेज वाला, और एक नॉन वेज पिज़्ज़ा पेपर बारबेक्यू वाला 115 का। तो आइए देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। और यार बैग देना चाहिए था, ये कैसे अच्छा नहीं लगता ना, कोई बल्क ऑर्डर करेगा तो कैसे एक एक करके लेके जाएगा। जो भी है, हाँ चलते हैं मेरे सीट पे। तो फिलहाल जो है एक पिज़्ज़ा मेरा बचा हुआ, एक पिज़्ज़ा मैंने खा चुका हूँ ऑलरेडी, चीज़ पिज़्ज़ा मैनिया वाला, और एक पेपर बारबेक्यू चिकन का बचा हुआ है 115 का है, ऐसा है। तो कुछ देर में मणिकपुर आने वाला है। ट्रेन का एवरेज स्पीड जो है बहुत ही स्लो हो चुका है, बहुत जगह जो है रुकते रुकते जा रही है। तो कंटिन्यूस एमपीएस जो है इलाहाबाद के बाद ही मिलेगा, और देखते हैं कि आज के दिन जो है 130 का एमपीएस मिलता है कि नहीं। लास्ट दिन जो है नहीं मिला, 110 पे गई, और उस दिन किसी वजह से लेट भी हो गई थी। तो देखते हैं, और इसको खाता हूँ। और चीज़ वाला ठीक था, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी जो है मेरे को डाउन फील हुआ, और साथ ही साथ जो है ऑर्डर वैल्यू जो है पूरा हो नहीं रहा था। डोमिनोज का ऑर्डर वैल्यू थोड़ा सा हायर रहता है अगर आप ही कैटरिंग से ऑर्डर करते हैं। तो एक चॉकोलावा केक भी मेरे को लेना पड़ा, तो वो भी खाऊंगा, लेकिन मैंने खुद के बाद। तो गाइस पहुंच गए मणिकपुर, और यूपी में एंटर हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा बेकार स्टेशन है, बन रहा है अभी। और एक पैसेंजर है जिसको ट्रेन बोर्ड करना है, ये देखिए आशुतोष है ना, आशुतोष। तो ये जो है मैंने एक जो एवर्डी था चॉकोलावा केक लिया है डोमिनोज से, का 99, और मणिकपुर से ये बेल्ला सी और थम्स अप स्पेशल एडिशन। ये जो है 40 का है, लेकिन 45 लिया, कुछ कर नहीं सकते। तो गाइस पहुंच गए इलाहाबाद चिकोई, और स्पेलिंग पता नहीं एग्जैक्टली कैसा है, और ये कुल्हड़ वाली चाय पी रहा हूँ। जीपीएस ने जो है गजब धोखा कर दिया, मैं नींद में था थोड़ा सा, तो WIMT खोला, वहाँ पे GPS किया हुआ था, उन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर्स टू इलाहाबाद। WIMT खोला, उन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर्स टू इलाहाबाद। मुझे लगा अब तो टाइम लग गया, लेट हो गई, फिर सो गया, और अचानक से देखा चाय चाय समोसा समोसा बिरयानी बिरयानी ऐसे आवाज़ जो है गूंज रहा है, और उसी में धीरे 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 नींद खुला, तो देखा कि इलाहाबाद पहुंच गए, और ये कूलर वाली चाय। तो चाय वाले ने उठाया नहीं, तो फिर आपको जो है इलाहाबाद देखने को भी नहीं मिलता। और क्या करें यार, ट्रैवल करने में थोड़ा सा टायर्ड हो जाता हूँ। एक्चुअली सेकेंड डे से ये तो थोड़ा ज़्यादा नींद लग जाता है, और बिफोर टाइम है ट्रेन जो है 5 मिनट के आसपास, बस अभी निकलने का टाइम ही हो गया, चढ़ता हूँ, नहीं तो फिर आपको हावड़ा तक की जर्नी देखने को नहीं मिलेगी। जो भी चाय बहुत बढ़िया है, देखना ये लायक चित्र कैसे बोल तो रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि ये बेकार की बात है, लेकिन है सच में। फिलहाल चलते हैं, अब से होगा बढ़िया रन, तो आपको दिखाने वाला हूँ बेहतरीन स्क्रिप्ट। चढ़ते हैं और निकलते हैं इलाहाबाद से, एक्चुअली प्रयागराज।
गाइस रात के 8:15 बज रहे, पहुंच गए हैं मुगल सराय। अरे यार पंडित
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, एक ही बात है ना। खाना जो है आ चुका है, बहुत मुश्किल से मिला, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, ट्रेन में बहुत टाइम आ गई, तो खाना वाला जो है घूम रहा था और बर्फ पर रख दिया। हाँ, डिपार्चर के बाद खाएंगे, तो थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। और मुगल सराय में खाने के बहुत ऑप्शंस है, प्लेटफॉर्म पे जो है सब्जी वगैरह काफ़ी मिलता है। फिर अगर आप ई कैटरिंग से ऑर्डर भी नहीं करेंगे ना, तो भी आपको बहुत बंदे दिख जाएंगे IRCTC और कमसम के। और ये स्टॉल्स वॉल्स में जो है ब्रेड ऑमलेट मिलता ही रहता है, तो खाने में मुगल सराय में ये मेरी गारंटी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप ऑर्डर भी नहीं करते। वैसे ऑर्डर कर देंगे तो पिज़्ज़ा वगैरह जो भी आ जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो भी आपको खाना बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो मैंने जो है नॉन वेज महाराजा थाली मंगवाई थी, इसमें जो है 250 का है, पापड़ है, एक शाही पनीर, आलू की सब्जी, मिक्स वेज, ये पुलाव है और ये दाल है, साथ ही साथ जो है पराठा और रोटी दोनों अलग अलग दिया है, दही, स्वीट, सलाद और इसमें एग और चिकन करी मिक्स। इसमें जो है दो पीस चिकन है और दो अंडे है, तो कुछ ऐसा है, 250 का है, तो क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी भी ठीक लग रही है। हाँ, बस टेस्ट करके बता देता हूँ, और ये बिल्कुल मेरा मेस्ट अप बर्थ। हाँ, टेस्ट करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दाल से। ठीक है, पनीर की सब्जी देख लेते हैं, मस्त, पूरा जो है ना अच्छे से लहसुन वहसुन का फ्लेवर आ रहा है, पनीर की और बहुत बढ़िया सब्जी है। आलू की बारी, ये भी बढ़िया है, तो टेस्ट जो है सब सब्जियों में मेरे को लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। खाना जो है गर्म है, मिक्स वेज, वैसे मिक्स वेज नहीं खाता लेकिन बस ग्रेवी टेस्ट कर रहा हूँ, ये भी ठीक ठाक है, पनीर की बहुत बढ़िया लगी, आलू वाली भी अच्छी है, मिक्स वेज नॉर्मल है। अब पैसे वाली सब्जी की बारी, चिकन और अंडा का मिक्स सब्जी, चिकन और एग वाली करी मेरे को अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जो है वो ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल थाली मंगवाते हैं तो उससे प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कमी है उसमें, थोड़ा सा कम है, प्राइस दे दूंगा मैं आपको, मेनू भी दे दूंगा। तो ये थाली मंगवाई, अगर आप दो लोग शेयर भी करना चाहते हैं तो भी पेट आराम से भर जाएगा। टेस्ट ठीक है, क्वांटिटी अगर मान लीजिए कि दो चार रोटी भी एक्स्ट्रा देते तो दो लोग आराम से पेट भर के खा सकते थे, सब्जी मेरी काफ़ी बच गई और रोटी तो ठीक है, रोटी जो है वो दो चार ऐसा कुछ था। और मेन बात करें वैल्यू फॉर मनी, आई वुड से वैल्यू फॉर मनी है, 250 है। अगर आप ट्रेन में भी जो रेडी टू ईट मिलते 150 का, वो सब बेकार चीज़ें लेते हैं, तो भी आपको 150 लग जाएगी और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो 250 का अच्छा है। और सस्ती चाहिए तो सस्ती थाली भी है, बिरयानी भी है 200 की, और बिरयानी भी मैंने खाई है ठीक है, अंडा बिरयानी वगैरह मिल जाती है 100 रुपये 80 रुपये ऐसे में, और भी सस्ता जाना है तो ब्रेड ऑमलेट है 30 रुपये का, जो भी है। हाँ, खाने की कोई कमी नहीं मुगल सराय में, एटलीस्ट लंच का आप देख लेना, क्योंकि लंच के टाइम जो है किसी अच्छे स्टेशन पर नहीं रुकती,
और सतना वगैरह पे जो है पूरी छोले, ये सब जो है पूरी छोले जो है परोसा फर्स से सब लोग चिल्लाते हैं, मिल जाते हैं। एक और चीज़ में बताना भूल गया, चावल थे, मिठाई थी, वो सब भी सही था, चावल थोड़ा बेटर हो सकता था और मिठाई थी और दही जो मेन मैंने दिखाया था ना वो एकदम दही थोड़ा पुराना वराना जो भी है। पहुंच गए भैया गया में, ट्रेन जो है 10 मिनट लेट है और फिलहाल थोड़ी आराम करने की बारी है। और गाइस ये जो है रांची न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है, ऐसे हम भी अभी निकले और पता नहीं यार मैं ट्रैक तो बराबर कर रहा था, मैंने ध्यान भी रखा कि निकल ना जाए बाहर, देखते रहा पता नहीं शियालदह राजधानी जो है कहाँ गायब हो गई। मिलेंगे अब सीधा कल सुबह हावड़ा पे, तब तक जो है आप जर्नी को अच्छे से इन्जॉय कीजिए, हावड़ा पहुँच के बात करेंगे और ख़त्म करेंगे मेरा 15 दिन का लंबा ट्रिप, अच्छा ट्रिप और 15 दिन का ट्रिप है, इसलिए 15 दिन से जो है मैं चाहता हूँ कि 15-16 वीडियोस में ला पाऊँ आपके लिए, इसलिए लंबा ट्रिप, बाकी इतना लंबा मैं भी नहीं चाहता क्योंकि भारी सामान लेके घूमना पड़ता है। जो भी है फिलहाल के लिए गुड नाइट।
गाइस गुड मॉर्निंग और हम पहुंच गए हावड़ा हमारे जर्नी के बाद इंदौर से हावड़ा तक की और प्लेटफॉर्म नंबर 20 पे दिया है एसीआर वाले प्लेटफॉर्म पे। ये चीज़ यार बोलिए बहुत अब चल के जाना पड़ेगा काफ़ी दूर जो भी है, इसलिए जो यहाँ से एसीआर के ट्रेन को साउथ ईस्टर्न रेलवे के ट्रेन को साथ लगा चाहिए कहीं और भेज रहा था क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म जो है खाली कंडक है। यही बात है शिप्रा एक्सप्रेस इंदौर हावड़ा स्पेशल बोली उसमें मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही और सुपरफास्ट ट्रेन है इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और मेरे हिसाब से एक अगर पैंट्री होता है इस पर तो और अच्छा होता वरना टी कैटरिंग से ऑप्शन जो है आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल। पैंट्री होता है तो क्या है आपके लिए थोड़ा हर टाइम बाद अब टी कैटरिंग में मान लो आपकी ट्रेन जो है लेट हो जाती है तो मे भी आपको खाना ना मिल पाए। जर्नी जो है शिप्रा के साथ हमारी ख़त्म हो गई और अभी मैं जाऊँगा पूर्वा में आसनसोल अपने घर और एंड करूँगा ये 15 दिन का ट्रिप। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो वीडियो के एंड तक बने रहे और अपना सपोर्ट शो किए क्योंकि यार ये अच्छा लगता है। ट्रेन का क्या है थोड़ा रीच जो है वो डाउन हो चुका है तो ट्रेन का क्या है जो रीच है वो डाउन हो चुका है और व्यूज़ जो है ट्रेन वाले वीडियोस में नहीं आ रहे तो अगर आपने सपोर्ट किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट करो क्योंकि मुझे इम्प्रूव सही में करना है। कमेंट करो और बताओ कि क्या क्या चेंजेस मैं ला सकता हूँ। और एक बात इस मेरे ट्रिप के बहुत सारा नया स्टॉक अपलोड होने वाला है तो सब्सक्राइब करो और चैनल में जुड़ो, ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियोस हैं। इसी के साथ साथ आपको याद दिला दूँ तूफान आंधी आए बरसात हर मंगलवार आपके साथ। मध्य माड़ी को हमारे क्यों वाजपी की।